हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है विशाखा क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हेडलाइन या आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2021 की हेडलाइन ऑफ गाइडलाइन दिया हुआ है HSC और SSC एग्ज़ाम के लिए। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हमारे एजुकेशन, चलो देख लेते हैं हमारी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज क्या है, किस क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है। सभी डिटेल्स को आपको मैं बताऊंगी और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। फर्स्ट गाइडलाइन दिया है, सिंस द एग्जाम विल बी कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड, स्टूडेंट विल हैव टू फिजिकली अपियर फॉर द एग्जाम एज देयर रिस्पेक्टेड स्कूल इनसाइड ऑफ अनदर सेंटर। द एग्जाम विल बी कंडक्ट इन देयर ओन स्कूल अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर 3 आवर पीरियड्स ऑफ द एग्जाम। दे विल गेट द एक्स्ट्रा हाफ एन आवर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बताया गया है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। सेकेंडली इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपके ही स्कूल या कॉलेजेस में होने वाला है, प्लस 3 आवर का जो पेपर होगा उसमें आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो 40 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपको 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको मिला जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, आगे देख लेते सेकेंड क्या इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसमें बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर द क्लास 10 विल नॉट बी कंडक्ट, वाइल फॉर द क्लास 12 प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड वंस द रिटन टेस्ट वॉर ओवर। द मिनिस्टर हैज डिसाइड टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर द HSC स्टूडेंट बिकॉज द प्रैक्टिकल इन HSC आर क्यूरियस फॉर द फर्दर प्रोफेशनल कोर्स। 10th के लिए कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे, 12th के लिए होने वाले, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के बाद होंगे, उसके पहले आपके कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 विल हैव टू सबमिट इंटरनल असाइनमेंट इंसेंट ऑफ प्रैक्टिकल आफ्टर राइटिंग एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को जो 10th स्टैंडर्ड के हैं उनको इंटरनल असाइनमेंट देना होगा, किसके बदले, जो प्रैक्टिकल होने वाला था लेकिन रिटन एग्जाम के बाद। डेट दिया है May 21 से June 10। इफ एनी चाइल्ड फेल सिक ड्यूरिंग द सबमिशन पीरियड, एडिशनल ग्रेड पीरियड ऑफ 15 डे विल बी ग्रेटेड फॉर सबमिशन। 15 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्यों, इसके लिए भी, इंटरनल के लिए भी और आपको एक्सटर्नल के लिए भी, बैच वाइज होगा, सेफ्टी सब उन लोग प्रोटोकॉल सब फॉलो करेंगे कोविड के जो भी हैं। और इंटरनल्स के लिए मैंने बोल दिया जैसे 10th वालों के लिए कि May 21 से June 10 के बीच में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। यह असाइनमेंट आपको स्कूल से प्रोवाइड होने वाला है कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ डिटेल आपको स्कूल से मिल जाएगी, तो आपको कुछ भी वरी नहीं होना है। अब सिर्फ आपको रिटन एग्जाम के लिए ही रेडी हो जाना है। दिया कि स्पेशल कॉन्सेप्ट फॉर द डिफरेंट एबल स्टूडेंट हैव ऑल्सो बीन इशू बाय द मिनिस्टर, द स्टूडेंट विल गेट एक्स्ट्रा 20 मिनट टू कम्प्लीट द पेपर। जो फिजिकल या मेंटली अगर नहीं बराबर नहीं है उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट मिलेगा। टेम्पररी सेंटर विल बी प्रोवाइड इन द केस ऑफ लैक ऑफ स्पेस एट द पर्टिकुलर स्कूल सेंटर ड्यूरिंग द HSC एंड SSC एग्जाम। अगर आपके स्कूल में अगर सीट्स प्रॉपरली नहीं हैं, मतलब वहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है, तो आपको और दूसरे स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपको पर्टिकुलर टेम्पररी वाइज के लिए आपको सेंटर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ एग्जाम्स के लिए और नहीं। 6th दिया है, और स्पेशल एग्जाम फॉर द स्टूडेंट हु विल मिस द बोर्ड एग्जाम ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक्स विल बी हेल्ड इन जून। सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी कंडक्ट इन जुलाई एंड अगस्त। जो भी COVID-19 के वजह से जो स्टूडेंट्स बीमार हैं उनका पेपर जून में होने वाला है, और सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी होगा वो जुलाई एंड अगस्त में होने वाला है। थेरियल एग्जाम्स ऑफ द क्लास 12 HSA बोर्ड्स आर शेड्यूल्ड टू द कंडक्ट फ्रॉम April 23 टू May 21, 2021। वाइल और दिया कि जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर होना चाहिए April 23 से 21 तक, और जो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफाइड उनका जो रिटर्न पेपर है वो April 29 से May 20 के बीच में होना चाहिए।
जो भी गाइडलाइंस जो भी दिया गया है वो महाराष्ट्र जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारी हैं उनके थ्रू हुआ हुआ है, वही हमें फॉलो करना, उसके से और कुछ फॉलो नहीं करना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स से 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जरूर उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइडलाइंस आया गया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसमें और भी नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूँगी।